अब देखिए ये मेरा बैग है, मीडियम साइज़ बैग है, और ये मीडियम साइज़ बैग में मैंने इसमें अपने कॉस्मेटिक्स डाले हैं। कॉस्मेटिक्स मींस अपना ग्रूमिंग से रिलेटेड, और एक तरफ मैं डालूँगा अपने खाने से रिलेटेड, जैसे यूटेंसिल्स हो गए, मसाले हो गए, ये सब। अभी थोड़ा सा मुझे मसाले वसाले डालने हैं। ये मेरा हो गया ग्रूमिंग से रिलेटेड जो हो गया स्टफ़, यूनिवर्सल स्टफ, परफ्यूम्स हो गए, टिश्यूज हो गए, डियोज हो गए, किट के अंदर सब कुछ डाला हुआ है मैंने। ये मेरे यूटेंसिल्स हो गए, और यहाँ पे मैं मसाले भी डालूँगा। ओके, वो मेरा है लैपटॉप का बैग जिसमें मैं लेके जाऊँगा, थोड़ा सा सामान उसमें भी डालूँगा। ओके, अभी आपको एक मेन बड़ा बैग दिखाऊँगा जिसमें मैं कपड़े वपड़े सेट कर रहा हूँ। ओके, सो गाइज, मेरा बैग, मैं तीन बैग लेके गया था, मैंने परचेज़ किया था एक्स्ट्रा स्टफ, एक्स्ट्रा लगेज परचेज़ किया था मैंने एमिरेट्स की ऐप से, और मैंने 21,000 रुपीज़ दिए थे 25 kg एक्स्ट्रा के लिए, तो मेरा 65 kg मेरा हो गया था अलाइंस। ओके, ये मैं कुकर लेके जा रहा हूँ, इसमें ये वर्क्स ऑन गैस प्लस इंडक्शन भी, इलेक्ट्रिक में भी है, सेरेमिक एंड हेलोजन सब चीज़ों पर ये कुकर चलता है, और अच्छा है, सही है। देखो इस पर गैस, इलेक्ट्रिक, सेरेमिक, हेलोजन एंड इंडक्शन सब पे चलता है ये। ओके गाइज, अच्छा है, यही आप रिकमेंड कर लो, सही है, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी मॉर्निंग की, 11 o'clock फ्लाई करना था, तो पॉसिबली मुझे 7 or 8 के बीच में मुझे T3 एयरपोर्ट पहुँचना था दिल्ली, एंड मी एंड माई फैमिली हेडेड टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, एंड दिस इज़ लाइक द वे टू T3 टर्मिनल। अब मैं आपको नई लिस्ट दिखाता हूँ, टर्मिनल 1 पे कौन सी फ़्लाइट्स लैंड करती हैं डब्लिन में, कुछ शायद बंद भी हो गई है उसमें, मुझे पता नहीं है, पर ये लिस्ट मैंने ऑनलाइन ही निकाल लिया, आप भी चेक कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके देखनी है, देख लो अपनी कौन सी है। टर्मिनल 2 की मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगा। परेशान हो गया हूँ मैं, इतना रोया हूँ क्या बताऊँ मैं, पोचा लगाना पड़ गया मुझे यहाँ पे, मुझे तो बाहर भेज रहे थे। चलो अभी मैं जे काउंटर पे हूँ एमिरेट्स के, ऑनलाइन चेक इन मैंने कर लिया था, तो ऑनलाइन चेक इन की अलग से लाइन है, तो उस लाइन में मैं लगा हुआ। वैसे इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग से लाइन भी है, आप यहाँ पे आगे भी करवा सकते हो, पर लंबी लाइन है, ऑनलाइन चेक इन कर दोगे। हाँ, फ़ोन आ गया था, सॉरी यार। अगर आप ऑनलाइन चेक इन कर दोगे ना, तो ऑनलाइन चेक इन की जो लाइन है वो थोड़ी छोटी है, और आप आराम से अपना बोर्डिंग पास लेके यू कैन हेड टूवर्ड्स दी सिक्योरिटी फॉर चेक, सिक्योरिटी फॉर चेक, चेकिंग ऑफ योर केबिन बैगेज। ओके, बाकी मैं आपको भी आगे बताऊंगा क्या होगा आगे हैं, और मेरी जो फ़्लाइट है वो उतरेगी टर्मिनल 2 पे डब्लिन में, मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, कौन सी लिस्ट, कौन से टर्मिनल 1 डब्लिन पे कौन सी फ़्लाइट आती हैं, और टर्मिनल 2 पे कौन सी आती हैं, ये भी दिखा दूंगा मैं आपको। ओके, स्टे ट्यून्ड। ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री, इसका मतलब है अपनी ड्यूटियों से फ्री हो जाना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मतलब रंग बिरंगा पानी, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम तो मैंगो शेक पीने वाले बंदे, मोक्ष प्राप्ति तो हमें मैंगो शेक से ही हो जाती है, सही है। और बताए थे यहाँ पे लोगों को क्रेज़ बहुत है इन सब चीज़ों का, चलो आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पाव भाजी है, और ये है स्टीम पोटैटोज जीरे वाले, थोड़ा सा धनिया भी डाल रखा है, रोटी में तो भाई कुछ भी मिल जाए अच्छा है ना, और बस खा के निकलते हैं, 10:10 बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ है ना, मैं इसके बोल देता हूँ।
तो खाओ पियो, एंजॉय करो, करते हैं। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल चल चल के ना बुरा हाल हो चुका है, हैं, पर कंटेंट तो बनाना है आपके लिए। ओके, अभी मैं 7 डी की तरफ जा रहा हूँ। खाली अलग से एक्सरसाइज हो जाती है एयरपोर्ट पे, पूरा टाइम लेके आना चाहिए। ऊपर से इतना भारी बैग 8-9 किलो का पीछे टांग के, ये ले डाल ले, ये ले वो भी डाल ले, अरे वो भी आ जा। बस मम्मी पापा को ही डालना रह गया था, सब कुछ ले आया था के। उनके लिए तो वीज़ा लगवाना पड़ेगा, लगवाएंगे उनके लिए भी वीज़ा, सही है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो अंदर का मैं दिखा दूँगा एमिरेट्स का इकनॉमी क्लास कैसे होती है। ओके, स्टे ट्यून्ड। आ रहा है डेस्टिनेशन Gate 7, पीछे देखो। ओके, थक गए भाई चल चल के, क्या करेंगे भाई, मैं तो सो जाऊँगा, तो पूरा सोया नहीं हैं। ओ माय गॉड, गाड़ी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, पैदल आ गए हैं, सब पतले हो जाएंगे, बहुत मोटा हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा मैं जल्दी से जल्दी। चलो क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। हेलो गाइस, दुबई पहुंच गए हैं हम। अब 1.5 घंटे बाद डबलिन की फ्लाइट है। ओके, मिलते हैं वहीं पर ही, बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ से भी दिखाऊंगा नज़ारे। अब एंट्री कर रहे हैं हम अंदर। ओके, वी आर वेटिंग, अब दुबई जाके करेंगे अपना कैमरा है, देखो क्या होता है। अभी ध्यान रखो, अभी मुझे A5 प्लेटफॉर्म पे जाना है, टर्मिनल पे जाना है, टर्मिनल तो नहीं, प्लेटफॉर्म पे जाना है। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे मेट्रो का, इनबिल्ट अंदर टनल है, वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ टनल में मेट्रो का, आपको दिखाता भी हूँ। ओके, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे मैं, वो मेरा गेट है वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन में मीन्स कि जो मेरा दूसरा एरोप्लेन आएगा इमिग्रेट्स का, जहाँ पर मुझे अंदर जाना है वहाँ पर मुझे वेट करना है गेट पर। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ट्यूब कह लो, टनल कह लो, मेट्रो की लाइन कह लो, कुछ भी कह लो, अभी आएगी, हम बैठेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। अभी देखो, ये मुझे सीधा मेरे प्लेटफॉर्म पे छोड़ देगी। दिस इज़ दुबई, आ गई मेट्रो, आ गई। अभी हमें A5 पे छोड़ दे, मुझे A5 पे छोड़ देगी, बाकी और भी इसको जहाँ जहाँ पर जाना है वहाँ वहाँ पर हम जा सकते हैं। ओके,
उतर गए हैं उस मेट्रो से, अब सामने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लिफ्ट है, अगर मैं सही हूँ तो। ये सामने ना देखिए आपको, ये लिफ्ट है, देखो ये गई ऊपर, वो टांट वाली ऊपर देखो, ऊपर से आ भी रही है। ये हिसाब किताब सही है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी हो रहा है बड़ा मस्त हो रहा है। अब हम जा रहे हैं डबलिन के लिए, एंट्री हो रही है एयरपोर्ट पे। ये देखो ये खड़ी कार दिख रही है, सफाई फाई हो रही है, पोछा वोचा लग रहा है अंदर, कपड़ा वपड़ा मार रहे हैं, पीछे पंखे वंखों में तैयार कर रहे हैं। अभी लंबी फ्लाइट है भाई, 8 घंटे की फ़्लाइट है, इसमें सो जाना है बस और कुछ नहीं करना, थक गए हैं बहुत। देखो क्या होता आगे, आफ्टर ए लॉन्ग फ्लाइट हमें क्लियरेंस नहीं मिला था, तो वैसे 8:10 का ऑफिशियल टाइमिंग था, 8:05-8:10 का हम लैंड किए थे 8:30 पे, बिकॉज क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था एयरपोर्ट से, बिजी था एयरपोर्ट। और फ्लाइट वाज अमेजिंग, अच्छा लगा, मतलब खाना भी बहुत अच्छा था, दो बार मिला खाना, बीच में स्वीट्स भी मिली थी अच्छी, अच्छा था। आई वॉज हैविंग अ कम्प्लीट गुड एक्सपीरियंस फॉर एमिरेट्स, गाइज गो फॉर दिस।